लिटरली कह रहा हूँ, यहाँ मत आना। मैं मेरे को कोई शौक नहीं, पर बर्फ थी तो बना लिया मैंने आसपास में था तो। बाकी चलो भाई इसके साथ दो फोटो खिंचवाते, फिर इसमें भर के लात चलते तीनों भाई। इकट्ठी लात पड़नी चाहिए सिरे में, ठीक है। जा रहे हो तो तमीज से जाओ, इज्जत से जाओ, पूरा कल्चर लेके जाओ। भाई हैरान हो गए देख के कि मैंने कांगड़ी कोयला हैरन सब कुछ ले रखा है। लाखों रुपए देके छोटा छोटा सा शिलाजीत का डब्बा नकली है। इसका टेस्ट देखो उसके बाद। ठीक है भाई, से पीते हैं फिर आपको बताते हैं कैसा है। आ जाओ, मैं तो बैठ के पीऊंगा आराम से इज्जत से। तीन नंबर चैनल पे पूछ रहा था कि भाई कोई है या नहीं है। ये देखो भाई चेक इंजन आ रहा था तो भाई हमने पूरा इंजन ही खुलवा दिया भाई का ना। तो भी फाइनली भाई गाड़ी हो गई है स्टार्ट। भाई की तबीयत भी ओके है, इतनी ठीक नहीं है बट ठीक है, कोई बात नहीं। शेर है, हम समझदारी नहीं है यहाँ पे, सच में दांत टूट सकते हैं, इसमें मजाक नहीं कर रहा। तो यहाँ जब ये बर्फ पूरी कड़क हो जाती है ना बहुत डेंजरस है। एक ही गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं आज, हमारी नवा भी सारी उतर गई। बाकी चलो भाई इसके साथ दो फोटो खिंचवाते, फिर भर के लात चलते तीनों भाई। वेलकम बैक टू चैनल दोस्तों, देख रहे हैं गेट इंस्टॉल, अनदर डे अनदर वीडियो। कपड़े फिलहाल सेम, हम भाई फिलहाल ये मेरे भाई जो है लग के साफ सफाई कर रहे हैं, कंबल सहला रहे क्योंकि मैं तो कुछ कर ही नहीं था। क्योंकि हाँ मैं अभी कुछ कर नहीं रहा था, तुम्हारे भाई ने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले यहाँ चाय बनाई, थोड़ी सी गिर गई। खैर इसे साफ सूफ करके पूरे कमरे को क्लीन करके जाएंगे। इधर चल रही थी लैपटॉप पे अपडेशन और इधर बाकी बची हुई सारी साफ सफाई करके अपन निकल रहे नीचे की तरफ। मौसम है ठंडा, हल्की हल्की है स्नो, और बाहर जाकर आप लोगों को दिखाएंगे भी, ठीक है। ठंडा लगा दूंगा तुम्हारे ना दोनों के एक एक करके। खैर नीचे चलते हैं भाई, ये लगाएंगे मौसम दिखाते हैं आपको। कल की मेरी आवाज में और आज की आवाज में फर्क देखने को मिल ही जाएगा भाई। कल हालत ही बहुत खराब, आज चल रहे हैं पहले ऊपर फिर नीचे, वो आपको बता दूंगा बाहर निकल के। चलो आ जाओ। मेरी गाड़ी भाई चार दिन से खड़ी है शायद से। अपनी तरह लगा रहे हो क्या, कंजड़ा लगा रहे हो मेरी गाड़ी को एक सेल्फ में। मालिक बार उतर भाई, कंजड़ बोल रहा ना गाड़ी को मेरी, बार उतर। मेरा मुंह निकल गई, मेरी जबान टूट गई यार। ये बंदे होते ना यार, जरा जरा सी बात पे अपना मुंह सड़ा लेते हैं, ये सड़ाता रहे मेरा क्या जा रहा है। खैर भाई ये है, अपन चल रहे हैं आगे और अब मैं अपनी गाड़ी उठाऊंगा, हम ऊपर जाएंगे पहले तो चंदनवाड़ी, उसके ऊपर एक और पॉइंट है वहाँ जाएंगे, वहाँ पे लेक है, उसके बाद हम जाएंगे यहाँ से सीधा गुलमर्ग क्योंकि वहाँ पे हो रही है मस्त बर्फ। पैबी का प्लान तो अपना ये है, हमें वहाँ जाना है, जाएंगे ओके आएंगे फिर आपसे मिलते हैं। आज का प्लान देखते हैं हम कहाँ तक कर पाएंगे। फिलहाल टाइम हो रहा है 10:56 और जब हम यहाँ से आउट हो रहे हैं, मैं तुम्हारे भाई का भी स्टिल 100 GB का डाटा अपलोडिंग पे चल रहा है, तो यहाँ पे नेटवर्क की भी अगर बात करूँ, एयरटेल पोस्टपेड सही चलता है, अच्छा चलता है, बहुत अच्छा नहीं चलता है, जैसे 300-500 MBPS जो वो देता है वो नहीं चलता है, बट ठीक है। पहलगाम की स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ, बहुत अच्छा नहीं बट ठीक चलता है। 100 GB में से मतलब मैंने ये लगभग रात को लगाई थी 100 GB और अभी मेरे हिसाब से ये 65% हो चुका है, यानी 100 GB में से आप मोटा मोटा लगा लो 45 GB रह रहा है मेरा। 4 घंटे 9 मिनट का टाइम मांग रहा है, मैं लोकेशन चेंज करूंगा, शायद स्पीड अच्छी हो जाए या वर्स्ट हो जाए, देखते हैं बाकी फर्दर क्या होता है आगे। चलते हैं, मैं अपनी गाड़ी उठाता हूं और इन बंदों की गाड़ी छोड़ता हूं, बहुत दिन हो गए इन बंदों के साथ में इंजॉय करते हुए, अच्छा रहा सफ़र भाई के साथ में सफ़र हमारा, ठीक है। अब मैं अपनी गाड़ी में खुद बैठूंगा और ये बंदा हमारे साथ में चलता हुआ, चल भाई आ जा। तो अपन जा रहे हैं अर्शद भाई के पास, साथ ही मैं आपको हिसाब भी बता दूंगा। जैसा कि आप जानते हैं भाई, हमने 8000 का हेड खरीदा था, वाल्व के पैसे खरा दिए को भी हमने दिए थे क्योंकि उसने खुद खराद करके सारे वाल्व खराद कर दिए थे, एक दो वाल्व खराद करने की बात नहीं थी, उसने सभी कर दिए थे क्लीन अच्छे से हेडवेड। गाड़ी भी बढ़िया चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ थोड़ी सर्दी ज़्यादा है तो गाड़ी स्टार्ट होने में मतलब हल्का फुल्का कूलन वूलन टपकता है, बट बाकी ऐसी पहले ऐसी कोई प्रॉब्लम ऐसा देखने को नहीं मिली है। 2-3 दिन गाड़ी चेक भी हो गई इनके आगे, एक वाल्व ख़राब है वो ठीक हो जाएगी। अब चलते अपनी गाड़ी उठाते हैं, मैं अपनी गाड़ी में मारता हूँ पहला सेल्फ, 4 दिन बाद ऑन होती है नहीं देखते, आ जाओ। मल्लो मल्ली पैंदी रवे खिच सोहनी है, पता नहीं ऐसा किया तेरे खिच सोहनी है। वो खड़ी मेरी गाड़ी किसी की जिंदगी खराब करती हुई।
आ गया मैं। इस गाड़ी में कोई दिक्कत अब तक नहीं हुई है। देख लो भाई परसों वरसों की बात है। आगे लो ना किसी और गेट नहीं खुलेगा मेरा। क्या है क्या है रखा हुआ? अच्छा आप लोगों को दिखाना भूल गया है, इस होटल में ना बढ़िया बंदर थे, एक नंबर के बदमाशी करने वाले। वो कूदा भी वहाँ से और भी बहुत सारे थे। यहाँ पे कुत्ते भी थे और बंदर भी थे। एक रात को तो जब हम आ रहे थे ना यहाँ पे, तो एक बाहर का कुत्ता अंदर एंट्री लेने का ट्राई कर रहा था हमारे बलबूते, और यहाँ के कुत्ते उसे पेलने के लिए राजी हो रहे थे। बाकी बंदरों ने तो फुल उधम काट रखा था यहाँ पे। और इन भाई के होटल का नाम था ब्लू पाइन पहलगाम गणेशबाल कश्मीर इंडिया। बाकी फ़ोन नंबर मिलेगा तो मैं डाल दूंगा। पानी और बर्फ़ इस टाइम पे भी जमी हुई थी अच्छे खासे टाइम पे। होटल बहुत सुंदर था और बहुत अच्छा था, बहुत लग्जरी नहीं पर बहुत अच्छा था सब कुछ। तो अभी ऊपर हम भूल गए थे कंबल, जो दो तीन दिन पहले मैं बीमार था और मैं ओढ़ के आया था अंदर। मुझे क्योंकि पता नहीं था इतने कंबल मिलेंगे, करीब 8-8 कंबल हमें दिए हुए थे भाई ने यूं ही। खैर एक टूरिस्ट के लिए जो ज़रूरत होती है वो तो उन्हें मिल ही जाते हैं। और तुम्हारा भाई जो रुका होता है इस होटल के कमरा नंबर 105 में। चलो अभी देख लेते हैं कौन सा वाला था। मेरे को ये लगता है ये वाला, ये यही होगा। मैं वीडियो में मिला लेता हूँ एक बार कौन सा है। तो भाई ये वाला था, वो ये वाला नहीं ना वो वाला, मोटा कंबल था हमने वीडियो से मिलाया। ठीक है ये रखते हैं भाई के सारे कंबल हम अपन वापस। वी टुक एन एंट्री, लेट्स टेक दिस बैक, क्योंकि ये सफ़र भाई का अपना खुद का कंबल। आ जाओ तो भाई अपन चल ले अब यहाँ से। टीवी भी ठीक था बट यहाँ फिलहाल डिश नहीं लगा हुआ होपफुली, बट यहाँ पे जो ब्लैंकेट्स हैं और इलेक्ट्रॉनिक कंबल, इलेक्ट्रॉनिक जो कंबल है वो सही है, बढ़िया सही चले। इतनी सारी जगह हमने ट्रैवल करा बट सबसे सही जो हीट देने वाले वो यही थे। ओके कर गए एकदम, डबल वाले भी और सिंगल वाले भी। के बाकी कमरे भी थे भाई कुछ ऐसे ही, जैसे यहाँ पे ये है अभी ये तैयार होता हुआ है, बिल्कुल सेम वैसे ही है यहाँ पे भी। हाँ ये सिंगल बेड वाला है और इधर भी कुछ है। मैंने आपको ये होटल, बीमार था और थोड़ी गाड़ी की टेंशन थी तो अच्छे से दिखाया नहीं। यहाँ कुछ स्टाफ रूम जैसा है, स्टोर रूम जैसा। ये कर दिया बंद, लेके कंबल सफर भाई का। तो मत दो यार ऐसे, तो मत करो। और अभी भी भाई है अंडर कंस्ट्रक्शन है, बन रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन हो चुका है। हाँ मतलब वो उन्होंने रखा थोड़ा बहुत और फैला रखा है इन्होंने। ये सफर भाई ने कर दिया इनका होटल लॉक। चलो आ जाओ वापस, भाई का हिसाब करेंगे गाड़ी का। और सबसे अच्छी बात पता है मुझे यहाँ की क्या लगती है, यहाँ पे चोरी वोरी का कोई सीन नहीं। देखो मेरा लैपटॉप में यूं ही और दो तीन फ़ोन, पता नहीं क्या क्या गाड़ी खड़ी कर रखी है इतने दिन से, तो यहाँ कोई चोरी वोरी वाला ना कोई सीन नहीं होता। टेंशन लेने की उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है बिल्कुल भी, चोरी चकारी की। गाड़ी में फ्रीजर लगा हुआ भाई। अच्छा ये कब लगा? ये देखो कैसे ठंडी भाई की बोतल, देखो बिल्कुल ही ठंडी हो गई। फ्रीजर लगा हुआ। अब मैं अपना लैपटॉप उठा लूँ हाथों में, गोदी में नहीं टक्कर खा के गिर जाएगा ये। ठीक है साथी सफर भाई वाइपर चलवाते हुए भाई, क्योंकि इनकी गाड़ी का बिल्कुल भी विजन नहीं दिख रहा चलाते चलाते में। वाइपर भी बेचारा ढीला पड़ गया ठंड में, ठंड लग गई वाइपर को। बर्फ जम गई होगी ना उसके अंदर। सफर भाई की गाड़ियों को हॉर्स पावर ने पीट दिया, लात मार के गया सफर भाई। ये तो चल रहे हैं 3 और 2 5 हॉर्स पावर, ये कितनी हॉर्स पावर है सफर भाई को नहीं पता। भाई आपको पता आप कमेंट सेक्शन में डाल के जरूर बताना याद से ये कितने हॉर्स पावर चल रही है। तो भाई फाइनली मैं अपनी गाड़ी करीब करीब 4-5 दिन बाद स्टार्ट करने जा रहा हूँ और देखते हैं ये अब स्टार्ट होगी नहीं होगी। ठंडी तो पड़ी है डेफिनेटली। आजकल पता नहीं क्या हो गया इसको, ठंड में ना पहला सेल्फ इसका खाली जाता है और दूसरे सेल्फ में स्टार्ट होती है। यहाँ पे इंडिकेटर ऑन है, कर दिया ऑफ। अच्छा बीच, चलो ये तो ठीक है, थोड़े से कोल्ड स्टार्ट करके छोड़ देता हूँ। तो भाई का बिल आया, बहुत मोटा बिल नहीं आ गया तेरा? बस इतना सा। देखो ईमानदारी से भाई ने क्या क्या लगाया,
ये पर गैस्केट हेड गैस्केट 750 फिर है कुछ ये हो गया 70 का कुछ 120 कुछ हजार का ऑयल और ये है फिल्टर 150 ऑयल फिल्टर हाँ फिर कूलेंट 500 रुपए का एक और ये है गार्टर जो भी है 100 रुपए 2690 बने भाई ने लेबर लगाई 2015 में बात हुई थी बाकी 2000 लगाई क्योंकि हेड का काम भी हो गया पहले हेड के काम की बात नहीं हुई थी इसमें तो भाई ने बस 500 लेबर के बढ़ाए इतने जायज पैसे प्लस हमें 3 दिन इन्होंने अपने खुद के होटल में रुकवाया खिलाया पिलाया मुर्गा सुरगा खूब और इसमें 4690 रुपए तेरे लिए बहुत बड़ी बात है है? कोई दिक्कत नहीं है भाई अब काम हुआ है तो मतलब टोटल कुल मिला के तेरी गाड़ी में 15,000 रुपए लग गए है ना 15,000 खर्चा पूरा 15,000 का खर्चा आ गया इसकी गाड़ी में और इसकी गाड़ी हो गई चालू खूब भूखे हैं वो तो है तभी तो कह रहा हूँ तो मेरी गाड़ी भी भाई दूसरे सेल्फ में चालू हो गई भाई कह रहे हैं अगर नहीं है तो बाद में दे देना कोई ऐसी बात इतना ज्यादा अच्छी क्या वो लोगे तुम उन्होंने खुद कई बार बोला कि तुम घूम के आओ जाओ यहाँ से नहीं चाहिए पैसे तुम्हारे बिल और 10,000 मिला मिलू के वो और 1,000 रुपए तेल वेल में खर्च हुआ के मतलब भाई 8 का हेड था 1,000 रुपए खराद के थे और 1,000 पेट्रोल के थे 1,500 थे पर 1,000 लगाना उसको वो जो तो टोटल 10,000 प्लस तेल मतलब सिर्फ 10,000 वो तेल तू सब मिला के 10,000 वो और 4,600 ये और मतलब टोटल मिला के 15,000 मोटा मोटी है बस वो भी भाई को पे करते हैं फिर यहां से निकलते हैं यहां से होगी गाड़ी मेरी तैयार चल के कोल्ड स्टार्ट और ये देखो नीचे का बम्पर चटक गया एक आधी बार 4,600 पूरे दे देता हूं ऐसा कर ले मर्जी है 4,600 नहीं तो 4,700 भी दे सकता है चाहे तो 90 है ना अरे हां तो 4,700 भी देख सकता है भाई की गड्डी हल्की पड़ गई यार ये गड्डी लाया था पूरी की पूरी नोट वोट के ऊपर रबड़ बैंड लगा के हल्की पड़ गई चलो भाई अभी तक मेरी गाड़ी ने तो मेरी गड्डी खर्च नहीं करवाई आगे चलते बाकी देखेंगे पता नहीं यार ये पता नहीं कौन भाई सुबह सुबह मेरी गाड़ी के आगे अपनी गाड़ी लगा गया ऐसे करके तो मैं हिला भी नहीं पाऊंगा इसको पहले गाड़ी हटवानी पड़ेगी किसकी है देखते हैं भाई मेरी गाड़ी के अंदर ना ये सेंटर लॉकिंग वाला ये जो पार्ट है ये लूज हो गया था तो मैंने इसको दोबारा टाइट करवाया इसकी वजह से सेंटर लॉकिंग में थोड़ी सी दिक्कत थी बाकी मैं जान से पहले भाई को एक बार दिखवा रहा हूँ भाई देख लो क्योंकि मुझे दिख रही मैंने इसे पूरी धुलवा के लाया था इंजन बे वगैरह सब ये यहाँ ऑयल आया हल्का हल्का सा और जहाँ तक मुझे दिख रहा है एक दो जगह और ऑयल दिख रहा है मेरे को बाकी एक बार आप इंजन ऑयल देख लो चलने से पहले एक बार मैं जरा 4-5 दिन से खड़ी है कभी भी कुछ भी हो सकता है इसमें इसे भी दिखवा के चलते ही है अभी सर्विस हुई थी आने से पहले तो मोटा मोटा लगा सकते हैं हम कि गाड़ी मेरी 1500 कुछ भी के आसपास चली है बाकी भाई यहाँ देखो ये जो तेल आ रहा है इसमें यहाँ जो तेल आ रहा है गैस्केट फटी तो नहीं है इसकी ऐसे रहती है यहाँ है ही नहीं कुछ है ही नहीं कोई दिक्कत अच्छा हाँ अपना सामान निकालेगा भाई बाकी बहुत शुक्रिया भाई आपका हटो यहाँ से भाई बहुत शुक्रिया आपका अभी आप मेरे को ये दिलवा रहे हो जो आपने पहना हुआ है ठीक है बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ भाइयों के साथ सुबह 9 बजे का उठा हुआ है सबसे लेट निकला 12:11 भाई यार शर्म करो थोड़ी सी ये सामान निकाल लें अपना अपना सारा और चल रहे हैं अपन मेरी गाड़ी लेके हेलो एवरीवन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा गेट इंस्टॉल स्टोर के बारे में ये एक वेबसाइट है आप चेक कर सकते हो जिस पर आप अपनी कार की कोई भी एक्सेसरीज ऑनलाइन पा सकते हो साथ ही देते हैं हम व्हाट्सएप सपोर्ट तो आप डायरेक्टली भी कॉल करके या व्हाट्सएप की इंक्वायरी कर सकते हो इनफैक्ट अगर मैं बात करूं आपको अगर इंस्टाग्राम पे कोई भी हमारे नए डले हुए प्रोडक्ट के अंदर कुछ इंटरेस्ट हो तो आप उसकी फोटोज हमें डीएम कर सकते हो सो दैट हम आपको दे सके ऑफिशियली गेट इंस्टॉल स्टोर का एक ही इंस्टाग्राम हैंडल है जो कि आप सामने देख सकते हो इस पर हम सारी नई एक्सेसरीज टाइमली बेसिस पे पोस्ट करते हैं नेक्स्ट बात करूंगा भाई अगर आप अपनी कोई भी गाड़ी नई परचेज करना चाहते हो सेल करना चाहते हो तो उसके फोटोज आप हमें डीएम कर सकते हो भेज सकते हो विद डिटेल्स getinstall.cars पर या cars by getinstall पर ये हमारा एक ही सिंगल पेज है जिसपे हम सारी कार्स के रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन और नए परचेज आपको शेयर करते रहते हैं इसका कोई चार्जेस नहीं है तो भाई ये फ्री ऑफ कॉस्ट है इस पर आप अपने कार शेयर कर सकते हो हमको नेक्स्ट बात करूंगा हमारा अगर डेली DIY या कुछ भी नए कंटेंट के लिए अगर आप रेगुलर अपडेट में रहना चाहते हो तो get_install हमारा वन एंड ओनली इंस्टाग्राम हैंडल है प्लस get install store और get install दोनों
फेसबुक पे भी लिस्टेड है, वहां पर भी आप फॉलो कर लो, हमारे प्रोडक्ट देख सकते हो अगर आप फेसबुक ज्यादा यूज करते हो तो। बाकी करते हैं इस वीडियो को कंटिन्यू, आ जाओ। सामान अपना गाड़ी में वापस रखते हुए, अदला बदली जो भी करी थी वो वापस लेते देते हुए चलते हैं अब आगे की तरफ, आ जाओ। हम जस्ट चलने वाले, गाड़ी में अपना अपना सामान कर लिया हमने, और ये कोयला खरीदा था ना जो मैंने उस दिन, ये मेरे भाई को वापस करके इनसे बढ़िया वाला कोयला खरीदना है, ये कोयला जला नहीं, तो इधर ही भाई की दुकान है, इनको देते हैं वापस और दूसरा लेते आ जाओ। ये रहा मैं भाई, उन्हीं भाई की दुकान पे, इनकी कांगड़ी तो बढ़िया जल रही है अब भी, और मेरी वाली जो थी वो बढ़िया नहीं चली, तो मैंने कहा मेरे को रिप्लेसमेंट दो कोयले की, तो मैंने कहा भाई मुझे कोयले की रिप्लेसमेंट दो, तो भाई गए हैं अभी ऊपर दूसरा कोयला भर के ला रहे हैं, वो लंबी लंबी जो थी ना सेब की लकड़ी का कोयला, वो ना जल ही नहीं रहा, थोड़ी देर जलता सुलगता फिर बैठ जाता, सुलगता बैठ जाता। अब जो मेरे एक भाई था ना यहाँ पे, वो भी कह रहे कि इसको शॉल में लेके ऐसे अंदर, या जो उनका मोटा वाला कपड़ा होता है ना उसमें लेके अंदर ऐसे डाल लो तो बातचीत बन जाएगी, पर मैंने कहा नहीं नहीं यार ऐसे नहीं चलता कि ऐसे जले, ये भी तो यहाँ खुला रखा हुआ है ना, और कितना ही बंदा इसको लेके बैठता है, बट ये जल रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सुलग रहा है, बढ़िया है, कोई परेशानी नहीं है, और कितना पुराना है, जबकि ये देखो हाथ पाँव सब टूटे हुए हैं इसके, इस कांगड़ी के, और इसमें लकड़ भी है हिलाने के लिए सब है, लेकिन उसमें कुछ छेड़ो हो बार बार बंद। फिर भाई ने क्या किया, एक दूसरा माल वाल पलटा लेके आए, अदला बदली करी माल की, वो माल मेरा सारा हटाया, उसके बाद वो जाके जला, छोड़ने का ना। तो अभी मेरे भाई से माल पलटवाता क्योंकि मुझे घर लेके जाना है, और मुझे बेचती नहीं चाहिए बिल्कुल भी, कि घर वाले बोले कि ले ले क्या लेके आया तू, मना कर दो भाई, नहीं देना तो बता देना यार, दे रहा हूँ, नहीं चाहिए भाई, नहीं चाहिए भाई। ले आए माल, 1.5 किलो माल था मेरा। हेलो, आ गया इस पे, अब लाओ ना बढ़िया वाला। हाँ जी, अब तो नहीं होएगा, जब ये गिरेगा वो देखो, आ गया 1200 ग्राम है वो डालना। हाँ, 1.5 किलो के पैसे काटे थे आपने, और डलवा लेते इसमें, बस हो गया, नहीं हुआ, हो गया, नहीं हुआ, तो 200 ग्राम बस नहीं हुआ, और डालो, ये हुआ ज्यादा कम ज्यादा का फर्क नहीं पड़ता, पर मैं कह रहा हूँ जलना चाहिए माल, हो गया। हाँ ठीक है, हो गया, पर माल तो जलेगा ना, है भाई मोटे जलाना ऐसे, समझा नहीं मैं, कैसे दिखाना, ये है ना कोला, हाँ ये डालना थोड़ा से, फिर डालना ये आग, जितना ये जलेगा बहुत, कौन सी आग, ये राख, ये राख, अरे नहीं ये, 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 ये। वो डाल के फिर उसके बाद ऐसे करके नीचे से खुरचनी है, फिर आग, हाँ अच्छा ठीक है, ऐसे ही बना ना, ये वो बात है, लकड़ी माली पलटवा दिया की बार मैंने, मेरा थैला इसमें डालो, दिल्ली जाके बेचती नहीं होगी। और तो तुम्हारा भाई ट्राई कर रहा है आज, इसको बहुत दिनों से इच्छा थी, अरे शाहरुख भाई ये मुड़ता नहीं है जैसे अपने, ये मुड़ता है, नहीं नहीं ऐसे होता है, ऐसे ही होता है, मुड़ भी सकते हैं, कोई टेंशन नहीं, वो तो अपने आप, ले भाई ठीक लग रहा है, बढ़िया लग रहा है, ले भाई चल, बहुत देर हो गई, लगा सकते हैं इसकी, और पॉकेट इसकी एक ही तरफ है, नीचे तक है, बढ़िया, उम्मीद है ये बढ़िया गर्मी लगेगी इसमें, लाओ दे दो भाई, एक तो ये मैंने पहना है, एक ये है आता है जिसमें पूरा फिटिंग विटिंग वाला, ये थोड़ा अलग डिफरेंट डिजाइन पैटर्न के अंदर है, ये कितने का, सुपर ट्राई, मतलब ये रेडीमेड है मेरे हिसाब से ना, है ना, ये रेडीमेड है, ये हाथ का बनाया हुआ है, इसे पहन के थोड़ा फील अलग है, उसको पहन के फील अलग है, तो मैं लेना तो है ही, वो तो ये वेस्टर्न हो गया भाई, मुझे चाहिए ही ये, ठीक है, अब एक बंदा हिलने वाला है मेरा लिबास देख के, और अब मैं यहाँ का लोकल बन गया है, अच्छा ठीक है भाई, चल रहे, कोयला मेरा चेंज हो गया भाई, बोल रहे ठीक है, अल्लाह हाफिज भाई, अब कपड़े वपड़े हो गए चेंज, बढ़िया, अब जा रहा हूँ, अच्छा चीट कोड एक्टिवेट है, परमानेंटली है, हद ही होगी यार, बंद होगी तो, दिल्ली में पहन के मत घूम जाना, कुत्ते पीछे पड़ जाएंगे, क्या कह रहे हो, पूरा कश्मीरी लग रहा है, सही लग रहा है, सही लग रहा है, सही लग रहा है, बढ़िया, चलो भाई भाई, अब पैसे वसूल हो गए मेरे, आपने बोल दिया ना, पैसे वसूल हो गए पूरे, मजा आ गया भाई, चलो आ जाओ, पीछे से ये काला निकाल दो ना, ये वाला ये ऐसा होना चाहिए, पीछे से आपको पूरा
जी भाई जान कुछ नहीं, उसके लिए 10 मिनट का काम है ओनली। अभी बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा जा, अबे खाली जाना। इसे दुकान थी वहां से, कैसा लग रहा है ये बताओ ईमानदारी। 2700 में बढ़िया, 2700 हाँ सही है, सही लग रहा है, बढ़िया है। अब आपका भाई तो लग रहा हूँ मैं क्या बता रहे हो? अच्छा ये गिरता नहीं है ये बता रहे हो? सब है हमारे पास ये नहीं गिरेगा वो गिर जाएगा है? हाँ भाई ने खुद उठा के खींच दिया मेरे को पीछे, क्या बात है। नीचे बच गया। अच्छा अच्छा इसका भरोसा नहीं है। यहाँ और डाल दो स्टील की चादर। आज है भाई के पास टाइम है, चलो ठीक है पहले घूम के आते हैं, उसको अपने बाल वाल कटवा लेने देते हैं। छुट्टी लगा रखी है, मैं इसीलिए दुकान पे नहीं आया, छोटे को भेज दिया। अच्छा इसीलिए आज भाई ने जल्दी छुटकारा ले लिया। ये अपना एक कैन है, इसमें कुछ बच रहा है? खाली है ये तो? खाली है। बोलो चलो क्या आते हैं? ठीक है फोन कर, आप भी चल रहे हो? आना आप भी चल रहे हो? चंदनवाड़ी? हां नहीं यार, ये आज तक नहीं गए, हारे के नहीं गए जैसे कि तुम मेरा नहीं घूमे ना आज तक, ना लाल किला घूमा मैं, ना लोटस टेम्पल गए, नहीं लोटस टेम्पल तो स्कूल के तुम गए हो ना, मैं नहीं गया ना कभी लोटस टेम्पल टुम्पल। ये भाई थोड़ा एंगल ऊपर कर ना, ये क्या सफर बन रही होगी? ये देखो ना, ये ना ठीक है ना भाई, तुम्हारा भाई प्यारा लगने लग रहा। भाई आप बताओ कि ईमानदारी से बताओ, सच बताना कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा हूँ, दिल खुश हो गया देख के? बस भाई यही चाहिए था, अभी से पहन के जाऊंगा दिल्ली, तब लोग पूछेंगे दोबारा मुझे बोलेंगे, और फिर दोबारा पहन के सब वापस और आराम से भाई फिर दोबारा। अच्छा कश्मीर से तरह। अच्छा आप बन गया आप? हां तो अर्शद भाई का बहुत शुक्रिया, अर्शद भाई ने इतना हमारा ख्याल रखा। तब तक नहीं है, अगर वापस आओगे तब शुक्रिया। अच्छा तब वापस आएंगे तभी शुक्रिया, तो मैं भाई वापस लेके आ रहा हूँ इनको, अभी हम ऊपर जा रहे हैं, वो भाई बाल कटवाने लग गए थोड़ा सा, इसलिए इंतजार में रह गया अर्शद भाई। एक काम करो, उधर से वापस चंदनवाड़ी होके आ जाओ। हाँ गपशप लगाएंगे उधर, ठीक है अपने होटल में बैठेंगे, बैठेंगे आज सुबह निकलो सवेरे, कोई टेंशन नहीं। ठीक है ठीक है, मैं पूरी कोशिश में, अभी तो वैसे टाइम भी काफी हो चुका है, आते आते अपने को टाइम लग जाना अच्छा खासा, तो वापस आके यहीं बैठते, तीनों गाड़ी लेके जाते हैं फिलहाल भाई के साथ, अपनी वो खड़ी। भाई ने भी काफ़ी ख्याल रखा हर चीज़ का, और बहुत शुक्रिया भाई इनका सच में। एक चीज़ मुझे अच्छी लगी सबसे, भाई ने जो भी चीज़ करी, जायज़ करी बिल्कुल, ना जायज़ कुछ भी नहीं करा, हर चीज़ बिल्कुल सही सजेस्ट करी, जहाँ तक कोशिश कर सकते थे सामान उसकी गाड़ी का, चीज़ें दिलवाने अरेंजमेंट कराने सब कुछ सही करवाया, कोई दिक्कत नहीं थी रुकने ठहरने बैठने उन सब में। भाई बहुत शुक्रिया आपका, दिल से बहुत शुक्रिया भाई, बस ऐसे ही होने चाहिए भाई अपने ना, यही कमाया है हमने। बिल्कुल आएंगे भाई, बिल्कुल पक्की बात है, बिल्कुल आएंगे। मेरे को चावल मना है ऑब्वियसली, खांसी हो रही है क्योंकि, तो आप खाओ चावल छोड़ के। क्या क्या होगा भैया? आलू पराठा खा लूंगा भाई मैं, सब होगा हैं? आलू पराठा खा लूंगा मैं, आलू पराठा, आलू पराठा चाय हो जाएगी जी भाई, चाय दे दो। और ये मटर पनीर क्या है, चावल के साथ है? अलग अलग सब है, मटर पनीर तो सब्जी है ना भाई, मटर पनीर पालक पनीर सब सब्जी उब्जी है ना, ये तो राजमा हो गया ना, रोटी वोटी अलग है। ये आया अपना आलू पराठा और चाय, बढ़िया बना रखा है पराठा भी और चाय भी, और बंदे ने आधी सी पी लिया, मैंने घूट मारी देखी थी, बढ़िया है। आप ठंडी भी दो ना भाई, सही कह रहा है। तो साफ सुथरे नहाए दो ऐसे लग रहे हो, क्या बात है, फ्रेश फ्रेश सा फील हो रहा है क्या? नहा के आए हो, बढ़िया लग रहे हो, इधर इधर करना गुद्दी थोड़ी सी, आंखों में थोड़ा लग रहा है क्या, इंजन ऑयल प्रोजेक्टर भी साफ करवा लिए तुमने, सही लग रहा है अब तो, अब सही लग रहे हो, सुंदर लग रहे हो, राजा बाबू लग रहे हो। खा पी लिया हमने, अब चलते हैं भाई। और एक चीज़ और मैंने जो अच्छी जानी वो ये, इसकी गाड़ी की सीट अच्छी है सफ़र भाई की गाड़ी के मुकाबले, इनको गाड़ी की सीट का काम कराना पड़ेगा, और इस बंदे की गाड़ी हो गई फुल तैयार, अब खुले नहीं है कल आना। हाँ बता भाई, हाँ भाई की गाड़ी की सीट अच्छी है, आपने ही बनवाई है मुझे पता है, गाड़ी के लिए कुछ करते हैं। हाँ आपकी गाड़ी की सीट बनेगी, बनवाने की जरूरत है तो फिर तुम्हें पता ही है, आर पार ही बनेगी, जब दूसरे जब भाई की अच्छी बनवा दी तो तुम्हारी भी अच्छी से अच्छी बननी चाहिए ना, मतलब कहीं वो मेंशन अप्रिशिएट, एक जगह भी अप्रिशिएट नहीं किया। देखो मैंने, आपने मुझे अपना वूफर दिया चलाने के लिए, आपने वूफर दिया, मैंने आपका फुल क्रेडिट दिया ना आपको, आप भाई का वूफर मैंने ले लिया, अंटी कर लिया, दे दिया भाई ने ये वो, साथ वीडियो देखी फिर आपने ना वो वाली जिसमें मैंने, अरे सफर भाई ने एक काम कराया वो। चलो जा रहे भाई ऊपर,
ठीक है, चलो अल्लाह हाफिज। ओ लात लग गई उसमें यार। अपन आगे चलते हुए अपने सफर को कंटिन्यू करेंगे। ये बंदा मेरी गाइडेंस स्टोर से खरीदी हुई एक्सरे शीटों को सेट करते हुए। हाँ भाई हेलो, क्या कर रहे थे? हाँ हेलो हेलो, अच्छा अच्छा भाई सही बता रहे, देखो एक्सरे शीट लगा रहे थे, मैंने हटा दी अभी फिलहाल फ्रंट वाली। स्टिल पीछे लगा रखी है मैंने, ठीक है, अभी थोड़ी सी नीचे कर दी मैंने, लगा रखी है शीशा डाउन करके। ये यहाँ तो हल्का सा टिंट कर रखा है मैंने शीशे को ना, ठीक है, लुक्स अच्छे आते हैं, जैसे उसकी गाड़ी की आ रही है ना फुल टिंटेड, बढ़िया। तो भाई यही वो सड़क थी जिसपे हम लास्ट बार चढ़ रहे थे और इसकी गाड़ी ख़राब हुई 6 दिन पहले लगभग। अब अपन वापस चढ़ रहे हैं इसी सड़क पे, इसी रास्ते पे। मेरा बस ये आपको मोटिव है बताने का, कभी हार नहीं माननी है भाई, कुछ भी हो जाए, ठीक है। और सबसे बड़ी मोटिवेशन होती है पैसा, तो अगर आप ज़िंदगी में पैसा कमाना जानते हो ना तो आपको कभी कोई हरा नहीं सकता, किसी भी तरीके से कमाओ भाई, मतलब दो नंबर छोड़ के ऑब्वियसली, क्योंकि दो नंबर का पैसा ना एट द एंड ऑफ द डे बीमारी में निकलता है कहीं ना कहीं। मेरा ये कहने का मतलब है कुछ भी करो, टैलेंट है, स्किल है, स्किल से ज़्यादा अच्छी चीज़ कुछ नहीं है। चाहे इन्फ्लुएंसिंग से कमाओ पैसा, चाहे ब्रांड एम्बेसडर बनो किसी के, चाहे यूट्यूब से कमाओ, कुछ भी करो, मोनेटाइजेशन से कमाओ, चाहे स्टॉक मार्केट से कमाओ, कैसे भी कमाओ, पैसा कमाओ। क्योंकि हमें पता है, हम तीनों के तीनों इसलिए रिलैक्स थे कि हम पे अच्छा हम पे था, मतलब हमें पता था कि इस चीज़ का खर्चा कितना हो सकता है और हम उसे अफोर्ड कर सकते हैं। हो सकता था कि तीन बंदे एक अल्टो में आते और वो अल्टो ख़राब होती और हम तीनों शायद हो सकता था जॉब करने वाले होते, तो अब तक तो हम मूतने लग जाते आपको सच बात बताऊँ तो। लेकिन हम तीनों ने ही हम तीन में से दो बंदे नौकरी करते थे, मैं भी करता था, एक अच्छा खासा IT इंजीनियर था, और छोड़ छाड़ के मैं लग गया इस आप इस जर्नी में अपनी, और ये जर्नी बहुत सही जा रही है। एंड बिग थैंक्स टू गेट इंस्टॉल्ड और स्टोर एज वेल, जो भाई इन्होंने मेरे को पूरी ट्रिप स्पॉन्सर करी है, तो मैं यहाँ आया हूँ इसी मोटिव से कि आप लोगों को ऐसी प्यारी वादी दिखा सकूँ। आगे चलते कंटिन्यू करते ट्रिप पर। सुबह मैंने जब गाड़ी अपनी स्टेयरिंग घुमा के देखा था ना, तो मेरे को हैंडल अपना टाइट लग रहा था, बट अब परफेक्ट है, मैं समझ गया वो गाड़ी को थोड़ी ठंड लगी हुई थी, अब एकदम स्मूथ मक्खन जैसा स्टेयरिंग हो गया, और क्लच मुझे ना हल्का सा लूज लग रहा था, तो समझ आया बाद में थोड़ी देर बाद कि मैंने अपने जूते बदल लिए इसलिए ऐसा हो रहा है। तो मेरे ये वाले जो RX वाले जूते हैं ना, पूमा वाले, ये थोड़े से होते हैं ऐसे देखने में, टाइट से होते हैं, पर ठीक है, मज़ा आ रहा है, चलते आगे आ जाओ। सची तेनू समा ला के रब ने बनाया, निभा सानू इश्क च अपने तू लाया, वो नैणा नाल सूली उत्ते झाड़े गोरी चाहे अमरनाथ यात्री हो चाहे हम हो, चंदनवाड़ी आते हैं तो अपने को ये सब देखने को मिलता है। ये दुकान है, ये व्यू भाई, अरे अरे मैनू भी बैठा ले, अरे मैनू भी बैठा ले। तो भाई ये जा रहे हैं, और व्यू देखो यहाँ का कितना प्यारा है। नहीं ज़्यादा यार, लोगों की मतलब पैसे चला नहीं जा रहा इन लोगों से, लंगड़े लूले होके दिखा रहे। तो भाई ये है नज़ारा भाई, यहाँ आना बाप बताओ वर्थ है या नहीं है। ओए हेलो, गलत ऊपर लेके तो नहीं आया ना भाई आप लोगों को? गलत लाए हो तुम, हम कहीं और बैठा के और ये चलाते बेहतरीन जूते पा के चलेंगे। नहीं ये मेरे जूते ऑलरेडी, क्योंकि ये ना जवाब दे नहीं रहे मेरे, दिक्कत हो जाएगी बहुत ज्यादा, जवाब दे रहे मेरे को ले लिए, सही नहीं है। तो आ जाओ, बूट 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 बताओ तो इस गाड़ी का फायदा है क्या, क्या मतलब क्यों बैठते लोग? पूरा जाएगा वहां तक, अच्छा ऊपर तक लेके जाते हैं साहब, उससे इसके बाद जुर्राब उतारूं या नहीं? नहीं नहीं जुर्राब मत उतारो, निकल निकल निकल। तो ये जूते डालते हुए भाई हम सारे के सारे डालते हैं तीनों जुर्राब भाई, जस्ट ये अभी अपने जूते डाले थे, ये उतर गए बहुत ही बढ़िया तरीके से आगे, पर भाई ठंडे हैं ये ना, मेरे वाले जूते मैं अपनी गाड़ी में ले जा रहा हूँ भाई, यहाँ ये भी ठंडे हो जाएंगे नहीं तो ना। चलो ये मेरे को छोड़ दो,
छोड़ दो मैं ले जाऊंगा उन्हें। गाड़ी में नहीं यहाँ पर। क्यों? हमारा सुझा तुम्हारे पास। अच्छा ठीक है, पर मेरे जूते गीले ना हो भाई, देख लेना है। अब जाओ, अब जाओ। ये वाले एक जोड़ी, जो दो जोड़ी, तीन जोड़ी। ये लेबर वाले जूते पहन के अपन आ गए यहाँ। लेबर वाले, मैंने सोचा था ये जगह होगी बढ़िया टूरिस्ट स्पॉट, बट इट इज नन ऑफ द लेस फ्रॉम जस्ट फॉर अ लवर स्पॉट। या इसके आगे यहाँ से भाई अमरनाथ चालू हो जाता है, ठीक है, बट यहाँ मैक्सिमम लोग बंदियों के साथ आए हैं, बंदा बंदी आए हैं। अब भाई मुझे हो रही है जलन, सही बात बोली तुम, ठीक है। बाकी बची बात यहाँ पे, ये एक बोर्ड है, यहाँ आपको 1x पे दिखा देता हूँ। ये एक बोर्ड है यहाँ, शेषनाग, वावल टॉप, 12 किलोमीटर, पिस्सू टॉप, चंदावरी, MG टॉप, बाकी सारी चीज़ें यहाँ मिल जाती है यहाँ से आगे जाने के बाद। वो भी पैदल है सारा का सारा रास्ता ना, गाड़ियाँ वाड़ियाँ नहीं जा सकती यहाँ से आगे फर्दर, पर व्यू है ये जो तुम्हारे सामने की बात है मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ, जो है ये है बस, और कुछ नहीं। सच में भाई तुम्हारे भाई को ना क्राउडेड एरिया के अंदर खड़े होके ना फोटो खिंचवाने का मजा, ना बैठने का, ना खड़े होने का। और यहाँ देखो भाई, पहलगाम में ना ऊपर चंदावरी पड़ता है, इतना ज़्यादा क्राउडेड है यार ये, वो भी ऑफ सीज़न। ऑन सीज़न होता या बर्फ़ पड़ रही है तो बात ही क्या थी। और यहाँ तक ना इधर लाने के लिए गाड़ी वाले कह रहे थे कि तुम्हारी गाड़ी नहीं जाएगी। मैं ऐसे कैसे नहीं जाएगी, ले आए हम तो, बात ही खत्म। मत आना भाई, साढ़े तीन सही बोल रहा हूँ, यहाँ मत आना, यहाँ नहीं मिलने का तुमको कुछ सही सा देखने को। मैं तो कह ही रहा था इससे, लिटरली कह रहा हूँ, यहाँ मत आना भाई। अब किधर जा रहे हैं हम? नीचे उतर रहे हैं, नीचे उतर रहे हैं क्या? फोटो भाई खींचने लग गए फोटो इनकी। और ये मैं उतरता हुआ, माइंड माय स्टेप्स करते हुए। भाई अपन यहाँ पे आगे घूम फिर लिए, अच्छी जगह थोड़े बहुत फोटोज खिंचवाने के लिए लाइक, ठीक है, स्लाइड करना तो ये ठीक है। आज है मैरी क्रिसमस, सो कल है तो हम बना रहे हैं यहाँ पे स्नोमैन मोस्ट लाइकली। बाकी स्लाइड करने के लिए ये है, वो डेंजरस तो है ही भाई, ये देख लो काफ़ी ज़्यादा, कोई बंदा गिर जाए, दांत टूट जाए, अलग चीज़ है। बाकी एडवेंचर थ्रिल से ऊपर तो कुछ होता नहीं, अपन चल ले आगे आ जाओ। यहाँ पे मज़ा नहीं आया, वो जैसा मैं एक्सपेक्ट करके आया था ना वैसा कुछ ना हो। ये बन गया भाई अपना स्नोमैन, कहीं से कम कहीं से ज़्यादा। गीला हो रहे हैं जूते ना अंदर से, क्रिसमस है तो अपन ने बना लिया, और क्या है बड़ा दिन। खैर ये रहा, मैं मेरे को कोई शौक नहीं, पर बर्फ थी तो बना लिया मैंने, आसपास में था तो। बाकी चलो भाई इसके साथ दो फोटो खिंचवाते, फिर इसमें भर के लात चलते तीनों भाई। इकट्ठी लात पड़नी चाहिए सिरे में, ठीक है, किसी और के काम नहीं आना चाहिए ये, साले में ऐसी लात पड़ेगी ना इसमें। तीनों भाई की एक एक लात में गिरना चाहिए ये। ले भाई ले, मेरा फोन, ये वाला फोन तक डिस्चार्ज हो गया था भाई, इसको दोबारा मैंने रिवाइव करा है। ये यार कौन सा गिल लग गया, थोड़ा सा यहाँ पे गाड़ी चलाना किसी नए बंदे के लिए टफ है, बट मैंने ये जो इतना बड़ा लिबास भी डाल रखा है ना, इसलिए भी थोड़ा सा मुझे अनकंफर्टेबल है ये वाले लिबास में, पर ठीक है, ये लिबास बहुत बेहतरीन है। ये मुझे ना पता कितने का पड़ा, ये पड़ा मुझे भाई से लेके 2700 रुपये का, पर ठीक है, दिस इज़ बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट थिंग जेन्युइनली फ्रेंकली स्पीकिंग। अब भाई सामने देखो ज़रा, इन सड़कों से अपन गाड़ी निकालते हैं, यहाँ से था सीधा बाहर का रास्ता, अब चल ले बाहर, अपना सफ़र वापस कंटिन्यू करते हुए आ जाओ। हमारा प्लान है भाई आज गुलमर्ग लगा देंगे गाड़ी, वहीं देखेंगे आगे क्या करना है, वहीं जाके सांस लेंगे। अब सारी सारी रात जागा, नींद मैनू देना। वापस आ गए भाई, वहीं गाड़ी चेक भी हो गई इसी बहाने, कोई छोटे मोटे माल फंक्शन ना हो, और यहाँ पे पंखा वंखा भी चेक कर लेते हैं इसका, सब चल रहा है नहीं चल रहा है। अब समझ आया भाई आप खुद ऊपर क्यों नहीं गए, क्योंकि ऊपर मज़ेदार जगह नहीं है ये, यहाँ के होके घूम के होके भी क्यों नहीं गए ये बंदे, कुछ खास मज़ा नहीं आया वहाँ पर ऊपर का। पर ये है जब यहाँ स्नो पड़ती है या इधर आना हो, है घूम, ये घूम के होके भी क्यों नहीं गए समझ आया मुझे, पहल घूम के है भाई, ये पहल घूम के होके भी क्यों नहीं गए ऊपर की तरफ, वाला पाइप लगा दिया चंदनवाड़ी को लगे तो भाई। अब इनकी इसकी गाड़ी ठीक करा लेते हैं, फिर मिलता है। अपन निकल चुके अब सीधा पहुंच रहे गुलमर्ग, वहां पर पहुंचने से पहले कि जो भी नियरेस्ट लोकेशन होगी वहां पर लेंगे स्टॉप। मेरी गाड़ी के ये मीटर्स को इग्नोर मार सकते हो आप, सब गलत लाइटें जल रही हैं, मेरी गाड़ी में कोई इशू नहीं है। खैर आगे की बात करते हैं, सीधा गुलमर्ग रुक रहे हैं और वहीं बात करेंगे
गुलमर्ग, गुलमर्ग के उससे पहले जहाँ पर भी रुक सकेंगे वहीं बात करेंगे, चाय वाय पियेंगे, होटल लेंगे और रुक जाएंगे। तो भाई अभी अपन निकल चुके हैं, और इस ट्रिप पर अगर किसी किसी टूल ने हमारी सबसे ज़्यादा कम्युनिकेशन में हेल्प करी है ना, वो है ये, ठीक है। और ये मिलेगा आपको गेट इंस्टॉल स्टोर पर, जाकर आप खरीद सकते हो। इसका रेट बहुत ही कम रखा हुआ है हमने फॉर नाउ, इस मंथ तक आप इसे ऑर्डर कर लो 31 जनवरी तक, इसका रेट आपको सिर्फ फ्लैट 2250 रुपये में मिल जाएगा। ले सकते हो आप व्हाट्सएप से ऑर्डर कर लो, चाहे हमारी वेबसाइट से। तो भाई ऑर्डर करना बहुत ही कामयाब चीज़ है। इसके सेम मॉडल्स अगर आप खरीद लेते हो और आपकी 4 गाड़ी चल रही है तो उसमें यूज़ हो जाएगा, 3 गाड़ी चल रही हैं तो एक आप सेम टाइम पे चार्ज कर सकते हो विद दिस अडेप्टर या इस विद दिस इन्वर्टर। और मैंने इधर की तरफ गाड़ी के अंदर भाई कांगड़ी वांगड़ी सब डाल रखी है, कोयला वोयला मैंने रिप्लेस करवा ही लिया था, तो गाड़ी तो अभी मतलब फिलहाल ना पूरा असला बारूद सब कुछ भरपूर आके चल रहा हूँ मैं, इसके अंदर बेहतरीन सी बना रखी है और सीधा आगे जाकर ही आराम आराम से चल रहे हैं हम, क्रूज़ करेंगे और वहाँ पहुँचेंगे। अब हम ज़्यादा रिस्क विस्क नहीं लेंगे या बदमाशी नहीं करेंगे, पहले भी नहीं कर रहे थे और अब नहीं करेंगे, चलते आगे फिर मिलते हैं आपसे। छोटा सा अपडेट और है यार, तरुण की गाड़ी में जो मैंने अभी आपको बताया था ना जो प्रॉब्लम है, तो अर्षित भाई और उनके लड़के तो चल दिए थे ऑलमोस्ट, और हमने गाड़ी के अंदर मतलब ये इशू जानने की कोशिश करी, उन्होंने भी चेक किया, उन्होंने बोला कि भाई इसके अंदर अंदर से दिक्कत है, क्योंकि इस भाई ने एक प्रॉपर वीडियो भी डाली हुई है उस चीज़ के ऊपर कि मेरी गाड़ी के अंदर हीटर में आई दिक्कत, फिर ये गया ये पानी वानी कुछ मरवाता है। तो मैं इसी गाड़ी के अंदर घुसा था क्योंकि मेरी वैगनार में भी वो इश्यूज थे, कभी कभी आ जाते थे वो तार वार जो थे डीले टाइट होके, तो वो इधर उधर हिल जाते थे, प्रॉपर नहीं आते थे। जो बंदों के साथ ये इशू है वो रिलेट कर रहे होंगे, बाकी मेरी गाड़ी में भी था वैगनार में, तो मैंने वो चीज़ बहुत अच्छे से अब्जॉर्ब करी, मैं अंदर बैठा है मैंने देख लिया कि ये इशू एग्जैक्टली में आ गया कंट्रोल्स का या किसी चीज़ को छोड़ने का नहीं है, ये एग्जैक्टली में इशू है कि इसके हीटर की ही कोयले वोयले ब्लॉक पड़ी हैं, क्योंकि दोबारा से काम हुआ फिर दिक्कत आ गई, अब चलते भाई आगे। और मैंने भाई लिटरली लाइटें भी नहीं ऑन करी हुई अपनी गाड़ी की यार। अच्छा हाँ करी हुई है भाई लाइटें ऑन, तो भाई चलते अब आगे और क्या। क्या बोल रहे थे मेरे को, कौन हूँ मैं, मेरे को तरुण को आप क्यों नहीं बोल रहे, क्या हो गया, मुंह कैसे बंद हो गया, अब जब गाड़ी क्यों नहीं खुल रही तुम्हारी, हाँ नहीं हटा रहा भाई। ये बंदे ना अपना अपना कर रहे हैं, इन्होंने ये अपना हिसाब करा है, ठीक है। मेरा सामान इधर सरका दिया और इधर हटना तरुण भाई का इधर, जबकि मैं शुरू से ऐसे आ रहा था कि कोई भी चीज हो तीन हो, कोई भी चीज हो तीन हो, ना तेरा ना मेरा। अरे भाई वो हर जगह तीन ही है ना, हमारी देख रहे हो भाई, ये ऑरेंज और एप्पल जूस भी लिए गए हैं आपके लिए, लाऊं? नहीं नहीं भाई, आपने आप पूछा कि पियोगे, नहीं पूछा ना मेरे से, तो नहीं पूछा ना। अरे अब नहीं मुझे बहस, वो टेट्रा पैक वाला दिखा, वो इस बंदे ने लिया ये सॉलिड मस्ती लेज वेज, और क्या क्या किसे कर रहा, क्या पत्रकार के साथ आप ऐसे नहीं कर सकते, हटो यहाँ से। अब भाई ये कह रहा बंदा अपना हिसाब मैं बनवाऊंगा, ये मेरा बनवाएगा, ये इसका बनवाएगा, मैंने कहा ठीक है भाई कर ले, तू ही कर ले, कोई दिक्कत नहीं, कर ले हम भी। ओए ओए पानी की बोतल ये वो जूते छू पॉलिश वॉलिश जो भी हिसाब हो ना अपना सारा डालियो ग्रुप पे, अब ठीक है अभी रुको यूपी डालता हूं, हां सब डालियो, सब डाल, सब कितने की आती है भाई, यूपी नूडल कितने की है, हां सब डालियो, ये सारा हिसाब डालियो, अब इसको लाए सामने, ये काफी है, नहीं यूपी नूडल का पैकेट आता है ना 10 का आता है ना, 12 की मैगी आती है 10 का आता है, हां 10 का आता है, कितनी लाया था भाई, 7 70 रुपए डाल की टक्कर ले रहा है मैगी की टक्कर ले भाई, डाल भाई मत करो, अगर लगाए खर्चा तो डाल, उसके बाद लगा दो 350 350 का सामान खरीद लिया भाई इसने, अरे भाई ना भाई आप मेरा सामान इधर नहीं बोलोगे भाई, तुम इधर नहीं बोलोगे, इसने वो सामान उठा के उधर नहीं रखा, इसने इधर नहीं बोलेगा कि इसने वो कैन क्यों लिया है, इधर नहीं बोलेगा इसने नट के दो बैग लिए, कोई दिक्कत नहीं भाई, इधर देख ना इसने हाइड एंड सीक की इधर क्यों उठा लिया, ये क्यों लिए, ये अलग ये मैं पहले सबके लिए तीन तीन ले रहा था, मैंने शुरू से ही तीन पे हाथ रखा था, आपने बोला अपना अपना कर लो, मैंने कहा एक एक कर दो भाई, फिर ना फिर बताऊंगा तुमको। 110 का प्रिंगल हो गया ये रहा, और ये हो गया, ये दो किसने रखे मेरे पास, मेरी तरफ एक ही चाहिए भाई मेरे को, ये ना क्या आगे सरकार हूँ मैं भाई, चल ना मेरे को दे दे यार, मैं ये कर दो, ये दूध मेरे में, ये रख दो, ठीक है, नहीं नहीं दूध के पैसे ना ग्रुप पे डाल देना, बाकी मत डालना कुछ भी, ठीक है भाई, और भाई पैसे अलग अलग लियो सबसे, ठीक है, इसका मेरा तेरा ही करवाऊंगा, रुक जाओ भाई आप ना, सही है भाई मेरा 400 हो गया, ठीक है भाई अच्छे से बांधो इसे जेड सिक्योरिटी में, हाँ
किसी के हाथ वाथ ना लगे। खाने एक मिनट, एक आधा पैकेट खाने को निकाल दे भाई, खा लूंगा मैं चलते फिरते। कौन सा निकालू? चलो इसको पैक कर दो सारे को। वो रखा ना भाई, आप ले लो ना, आप ले लो भाई। मेरे 400 हो गए ना, एक पैकेट में बाहर से और उठा रहा हूँ, बता देना टोटल। ठीक है, इसको बांध दो अच्छे से। चलो भाई, ये होगी मेरी खरीदारी। यहाँ कुछ बंदे भी खड़े हैं हमारी गाड़ी के लिए, चलते हैं भाई, आ जाओ। पर मैंने टैंक फुल नहीं कराया, मैं टैंक फुल भी करा रहा हूँ और जेरिकन भी फुल करा रहा हूँ। बहुत हेडिक हो गई है पेट्रोल को लेके, जगह जगह टेंशन ना हो। कर दो भाई इसे फुल ही कर दो, और है पेट्रोल मेरी गाड़ी में भी अच्छा खासा चलने के लिए, पर इसे फुल ही करा लेते हैं, इसको भी और मेरी जेरिकन को भी, वो पड़ी। और ये भाई 10 लीटर की है, इसमें 5 लीटर आती है, 10 लीटर आती है, 20 लीटर आती है, मिलेगी गेट इंस्टॉल स्टोर पे बड़े इजीली। प्राइस भी बहुत टेंटेटिव है, डीएम कर लेना प्राइस इसके लिए, बहुत अच्छे प्राइस में मिलती है और बहुत अच्छी है। सबसे अच्छी बात क्या है, मेरे पास दूसरी प्लास्टिक वाली भी है, वो कामयाब नहीं है। कहीं भी ले जाओ पेट्रोल वेट्रोल फट जाएगा। बाई करो तो 2 5-5 लीटर वाले ले लो, कार के लिए चाहिए तो 10 लीटर ले लो या 20 लीटर ले लो, बढ़िया। थार वार जैसी कोई बड़ी गाड़ी है जिसकी एवरेज नहीं है तो 20 लीटर ले लो, सबसे बढ़िया। तो अभी पेट्रोल डलता हुआ यहाँ, इतना धीरे डल रहा है या कुछ और बात है? अच्छा, ऊपर 1100 12 लीटर 13 लीटर जा रहा है भाई इधर डालते हुए। तो यही जेरी कैन में भी भर देते, उधर से वो वाला जो नोजल है ना उसको लूज़ कर देना याद से, हाँ उसको वहाँ से लूज़ कर देना उसको, तो जल्दी चला जाएगा। तो ये 10 लीटर की जेरी कैन है, जब मैं इसे लद्दाख लेके गया था तब मैंने इसे ख़रीदा था। इनके हिसाब को चाहिए हो तो ये 5 लीटर 10 लीटर 20 लीटर और 60 लीटर की आती है। फिर उसके बाद सीधा जो 60 लीटर वाली होती है वो कमर्शियल यूज़ के लिए होती है, और ऐसे कभी भी आपको यूज़ करने हो तो जैसे मेरा 4000 से पार पेट्रोल जा रहा है, अब इसमें मिला मुलू के 10 लीटर तेल इसमें आ जाएगा, तो लेके मैं ऊपर डाल दूंगा, मेरी सिरदर्दी ख़त्म। बेकार की जो जगह जगह रुक के पेट्रोल डलवाने की थी, कभी दोस्त यार को भी ज़रूरत पड़ी तो उसकी गाड़ी में भी पेट्रोल डाल ही दूंगा, कोई टेंशन नहीं है। पेट्रोल तेल आया अपनी गाड़ी में 4440 रुपये का, गाड़ी और जेरिकैन दोनों के अंदर, क्या बात है। जा रहे हो तो तमीज से जाओ, इज्जत से जाओ, पूरा कल्चर लेके जाओ। भाई हैरान हो गए देख के कि मैंने कांगड़ी कोयला हैरन सब कुछ ले रखा है। ठीक है भाई, मिले यहाँ पे कौन सा पेट्रोल पम्प है? ये खबा खातून पेट्रोल पम्प। अच्छा अच्छा, बटेंगू। अच्छा, आप कहाँ से? मैं दिल्ली से। अभी कहाँ जा रहे हो? मैं जा रहा हूँ गुलमर्ग। गुलमर्ग इधर से आया कि इधर से? मैं उधर से आया हूँ, हाँ पहलगाम से आया हूँ, पहलगाम से आया हूँ, गुलमर्ग जाऊँगा। गुलमर्ग जाना है जी भाई। क्या रखा है उसके ऊपर? सामान है, बैग, कपड़े बैग लत्ते पेट्रोल टेंट कैंप सब। भाई को दिखाया भी मैंने, भाई हैरान हो गए। नीचे भी छोटा मोटा सामान है, कांगड़ी वांगड़ी सब हैरान भी लगा है। लगा के आ गए आप? हाँ भाई बिल्कुल, भाई हैं आपके, ऐसी क्या बात है, करो। अच्छा लगा, चलो भाई पेमेंट कराते हैं और चलते आ जाओ। तो ये आ गया भाई अपना टोल, देखते हैं भाई कितनी सेकंड लगते हैं। ये टोल तो आर पार ही लग रहा है बिल्कुल ही भाई, मतलब ना रोकना ना आना, काई चोक करके कुछ है। अरे गिरा लो भाई, गिरा लो, उठा लो। अब ये लाल ही अभी भी, आगे लेना है क्या? लो आगे ले लिया। अरे उठा लो भाई, इतनी देर क्यों लग रही है? भाई को नंबर प्लेट ही नहीं दिख रही यहाँ से, समझ गया मैं क्या सीन है। ये हो गया भाई, चलो वो दिखते नहीं ना नंबर प्लेटें। हाँ ये चीज़ तो मैंने सोची नहीं, हो सकता है कि माइट बी फ्रंट ग्लास पे जो टेंट है वो इशू हो, नंबर प्लेट लेटर माइट बी इशू हो, या माइट बी फास्ट स्कैन जो स्कैनर है वो रात में थोड़ी गड़बड़ी करता हो, कुछ भी हो सकता है। बट ठीक है, टोल तो वैसे नॉर्मली भी कटी गया, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को कहावा ज्यादा बढ़िया है यहाँ का भाई, कहावा ज्यादा बढ़िया है। तो भाई मेरे को स्पेशली बोला था, मेरी बहन ने बोला था, थैंक्स टू हर, तो उसने ही बोला कि भाई रोक के एकदम बढ़िया पी पा लियो, ये कहीं मिलेगा तेरे को, और कोई गार्डन फार्डन भी उसने बताया। तो यहाँ भाई कबाब बना रहे बेहतरीन से, देखो आप इधर बैठने का है, इधर कहावा है, और ये 11 मसाला एक मिनट। ये पिंक चाय अलग होती है क्या है भाई? अभी ऊपर मसाला डालेगा। अच्छा, पिंक चाय अलग होती है, अलग होता है, एक ही चीज है पिंक चाय अलग, उसको नून चाय बोलते हैं, वो अलग होती है नून चाय। तो अभी ये कावा पी रहे हम, नून चाय नहीं पी रहे, पर ठीक है। गोम के ही लोकल के, कश्मीर के गोम के लोकल एकदम।
ठीक है भाई। इधर ही कहाँ मिलेगा बताओ, तोड़ना है इसी जगह पे आपको प्योर केसर मिलेगा भाई। पहचान पहचान वो सब बताएंगे जिस शॉप से आप लोगे, पता है ना, तो उनके सामने मालूम है तो दिलवाओ फिर। वो गोल्डन शॉप है वो देखो, चलते एक बार वहाँ भी चल के खरीदारी करते, कुछ घर वालों के लिए लेके जाएंगे। और उधर सलाजीत भी मिलेगा, ड्राई फ्रूट भी सारा मिलेगा, ओरिजिनल ये कहवा बनाने का मसाला भी मिलेगा भाई। कहीं कमीशन तो सेट नहीं है वहाँ पर मेरा। अरे मजे ले रहे हो, मतलब हमें वो मतलब नहीं है, हमें चाहिए ओरिजिनल चीज, ओरिजिनल मिलेगी उधर। ठीक है भाई, ठीक है। तो फिर इसका मतलब वो जो एडो में दिखाते हैं लाखों लाखों रुपए देके छोटा छोटा सा सलाजीत का डब्बा नकली है, इसका टेस्ट देखो उसके बाद। ठीक है भाई, इसे पीते हैं फिर आपको बताते हैं कैसा है। आ जाओ, मैं तो बैठ के पीऊंगा आराम से, इज्जत से बैठ के। तो हम पिए खड़े होके, वहाँ है ना जगह बना रखी है भाई ने बैठ के पीने पीने के लिए। इतना गंदा सा मुंह क्यों बना रहा है भाई, ये कुछ ये आ जाता है भाई मेरे हाथ में। इधर ले आया ये कावा मस्त पीने के लिए, उधर खड़ी अपनी गाड़ियाँ। और कावा में का मतलब होता है 11 और वाह का मतलब पीने के बाद जो मजा आता है, वाह 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 वाला वाह। इधर टूथपिक भी रखी है, इधर डॉलर है, डॉलर है वांगूनी। और ये देखने में मस्त लग रहा है, मीठा है मेरे हिसाब से। मेरे आगे धसकी सी क्योंकि काजू वाजू भी है इसमें। सफर सफर भी नहीं, बाकी ओवरऑल बढ़िया है। चाय से तो अच्छा है, चाय चू से तो अच्छा है ओवरऑल, कुछ डिफरेंट है। आओ तो ट्राई जरूर करना इसे। और इसी के साथ ही भाई ये मटन कबाब भी आ गया अपना, अरविंद रुमाली रोटी। ये इनका एक बहुत ही ज़्यादा तेज, और ये वाला खीरे और दही वाला जो इनका सलाद होता है वो दोनों के साथ में। इधर कावा बढ़िया एक नंबर कॉम्बिनेशन के साथ। ये भाई भी मौज लेते हुए सीख कबाब की, ये निकाल के खाते हुए और ये छुड़ा के खाते हुए, क्या बात है, बेहतरीन। अभी भाई तीन कावा पेमेंट हो गई, टोटल 8 रोटी, 8 रोटी और तीन सीख, तीन सीख का मटन। वो जो मटन खाया था वो वापस दे दिया हमने, नमक बहुत ज़्यादा था। ठीक है भाई, ठीक है, उसके करें बस। ठीक है भाई, थैंक यू। ठीक है भाई, अल्लाह। चले भाई, अपन भाई ने जो चीज़ स्पेशल डिश बता के दी ना, उसी के अंदर सबसे ज़्यादा नमक था, तो हमने उसे खाना बैठ गया। पता नहीं भाई क्या है सफर भाई को, बंदे ही घेर लेते कहीं ना कहीं। चलते आ जाओ, एक बार उस होटल के पास में आसपास में रोकना, उसके बाद एक बार डेस्टिनेशन का वो देख लेते हैं कि कितनी दूरी पे है यहाँ से गुलमर्ग। ठीक है मार्ग भाई, बस ये लाल चौक के पास ही है हम अभी ना, तो गुलमर्ग मुश्किल से 40-45 किलोमीटर दूर होगा। चलो देखो, रोक लो गाड़ी साइड में, रोक ली। क्या कह रहे हो भाई, कुछ हल्का फुल्का खाना पीना तो नहीं है भाई? मन तो दवा खाने का, पर खाने का को कुछ मिला नहीं। ये पेट भाई, ये भाई देखो भाई, गुलाम भाई फिर मिल गए हमको। ठीक है, और गुलाम भाई ऐसे कर तो पीस आउट कर देगा। गुलाम, अच्छा आप टूरिस्ट लेके आते हो? अच्छा टूरिस्ट गाइड नंबर वन, देखो हाउसबोट डैफोडिल, हाउसबोट शीला, गोलम,
One man army जिम पे सही बोल रहे हैं भाई। अगले बंदे टूरिस्ट गाइड है, हकीकत में हमें भी बहुत सही गाइडेंस दी थी इन्होंने। जो जगह बताई थी ना भाई यार वो यार वेरी ग्लैड मैं आपको कल कहवा पिलाऊंगा क्यों आप इतना दिन पे यहाँ कश्मीर में हो। छह दिन सवाल गाड़ी खराब हो गई आपने किधर इधर से मुझे बोलो पहलगाम है। इफ यू डोंट हैव मनी आई हैव मनी ब्रदर नो ब्रदर नो मनी का चीज जो हमारा पार्ट खराब हुआ था ना वो पार्ट ढूंढने में मैं 3 दिन खराब हो गया। कोई बात नहीं ये होता है आपका खाना यहाँ पर था ऊपर वाले लिखा हुआ या आपको उठाना था मेरे भाई खाने में लिखा खाने वाले के लिए ओके बराबर चलो भाई कमरा मिल जाता तो चलते हैं। आज वैसे ही देख लो भाई बहुत भीड़ हो रही है आज यहाँ पे देखते हैं आज कहाँ बैठेंगे क्या कह रहे हो आज तुम यहाँ बाहर से हुए हम तो भाई पूरी ये पता क्या है खाली यार जाना है सही बात है सारू गाड़ी लगाओ दवा के वहीं पे कहाँ पे वहीं लगा दो दवा के सीधी भाई। आज लग गई हमारी गाड़ी यहाँ सड़क पे बिल्कुल होटल के जस्ट बाहर बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं सफर भाई की गाड़ी यहाँ और एक गाड़ी हमारी अंदर तो जिस बंदे की गाड़ी आगे खड़ी हुएगा सुबह जल्दी परेशान। ये ले लिया मैंने सामान कैंपा गुलाम भाई और भाई मेरे चलते अंदर लेंगे अभी सही है भाई। ये देखो ये भाई गिरे हुए बंदे सामान गिर रहे हैं यार मुझे इस पे 3 बंदे एडजस्ट हो पाएंगे देखते हैं बॉडी हीट से एडजस्ट होंगे इसमें 3 बंदे मुझे ऐसा लग रहा है 3 बंदे यहाँ पे एडजस्ट होने वाले हैं कोई दिक्कत नहीं है देखते हैं। नीचे भी बोल रहा है भाई लग जाएगा आप तो नीचे सो सकते हो आपका तो ड्रायर है ना भाई आप तो गर्म हो गया अकेले सो जाओ कोई दिक्कत नहीं है तो अब हम दोनों भाई सोने वाले हैं इस वाले बेड पे और वाइड एंगल में छोटा सा लग रहा होगा लेकिन ये बहुत बड़ा डबल बेड है इसको लगाओ ना सबसे पहले। भाई यहाँ का वॉशरूम भी देखो बढ़िया एकदम प्यारा 50 लीटर का गर्म पानी मिलेगा यहाँ सही है हो गया भाई अब ये गर्म हो जाएगा बढ़िया चीज और यहाँ पर हवा ज्यादा चल रही है ना। साथी अपना आज मैच चल रहा है यहाँ पे आज भाई के साथ में भी मैच चल रहा है आज हम 3 बंदे खेल रहे इसी में स्टिके बदल बदल के भाई बहुत अच्छा खेलते हैं ये देख रहे हो इनके हाथ धरने का स्टाइल दिख रहा है ये हालांकि टूटी हुई स्टिक से खेल रहे हैं ठीक है लहरती हुई स्टिक से पर अच्छा खेल लें। अपना मैच चल रहा है भी जोमेटो से आ रहा है खाना चाय बन के तैयार फिर हम खा पी के फिर सोएंगे।